नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भरोसा और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा शर्मा। चलिए बात करते हैं बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पेश किए गए देश के बजट पर आचार्य अनुज जैन की भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक बैठी है। जी हां, दो दिन पहले ही दैनिक भरोसा के स्टूडियो में आचार्य अनुज जैन ने बजट पर चर्चा प्रोग्राम में भविष्यवाणी की थी कि मोदी सरकार का बजट इस बार लोगों को राहत देने वाला होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इस बार के बजट में सरकार का महिला सशक्तिकरण और डिजिटलाइजेशन पर फोकस होगा। तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान कर आचार्य अनुज जैन की भविष्यवाणी को मोहर लगा दी है। आपको बता दें कि यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था। ऐसे में निर्मला सीतारमण ने टैक्स कटौती समेत तमाम बड़े ऐलान किए। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात दी है। साथ ही महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। ज्योतिष एक ऐसी विधा है जो केवल मनुष्य के भविष्य के बारे में ही नहीं, किसी राष्ट्र, किसी समाज, किसी संस्था, यानी कि वो सभी उन भविष्य के बारे में बता सकती है जो कि जिनका अस्तित्व इस ब्रह्मांड में है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। आज से कुछ ही दिन पूर्व जब मैं आपके साथ था तो हमने डिस्कस किया था कि आने वाला केंद्रीय बजट भारत सरकार के किन किन मुद्दों के ऊपर होगा और उसमें किस किस सेक्टर के अंदर हमें उत्थान देखने के लिए मिलेगा, जिसमें हमने आपसे बात की थी किसान के विकास के बारे में, महिला सशक्तिकरण के बारे में, टैक्स के रिफॉर्म्स के बारे में, इनडायरेक्ट बेनिफिट टू द कंज्यूमर्स, मनी मार्केट की अपलिफ्टमेंट, ऑटो और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो आज देखिए यही कुछ हुआ केंद्रीय बजट में, और ये कोई चमत्कार नहीं, ये चमत्कार या ये एक सिंपल सा ज्ञान है ज्योतिष का। ये मैंने आपके सामने कुंडली प्रस्तुत की थी जिसके अंदर की मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से एक्सपेंडिचर्स होंगे, गवर्नमेंट किस प्रकार से एक पॉपुलिस्ट बजट लाकर अपने आप को एस्टेब्लिश करेगी, मरकरी यहां पर किस प्रकार से आईटी इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल होगा, वीनस और सैटर्न की युति किस प्रकार से किसान के लिए, मनी मैटर्स के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए किस प्रकार से होगा, और केतु यहाँ पे किस प्रकार से डिस्ट्रेस क्लास को एड्रेस करेगा, मून और मार्स की पोजीशन किस प्रकार से इंफ्रा या एसेट क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होगी। और आज यही कुछ हुआ, तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ कहा गया था, किन शब्दों के अंदर कहा गया था और क्या कहा आज हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने। निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है, दुनिया में भारत का कद बड़ा है। उधर पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। यह बजट आज की आकांक्षी समाज, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। साथियों, परंपरागत रूप से अपने हाथ से, औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है। लोहार, सुनार, कुमार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में
पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। साथियों, शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो, कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेक विध कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम, इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान क्षेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगह अपने आप एक्वायर कर चुका है। उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं, और इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उनके सर्वांगीण के विकास के लिए नई पहल इस बजट में एक नया आयाम जोड़ेगी। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है, और जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। ये बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है, स्टोरेज कैपेसिटी। बजट में नए प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। इससे खेती के साथ साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। साथियों, अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को एग्रीकल्चर सेक्टर में दोहराना है, इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम हैं। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है, और इसलिए आवश्यक है कि नए तरीके से उसको आगे ले जाया जाए। इसकी एक नई पहचान, विशेष पहचान आवश्यक है। इसलिए अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई है। उसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेकविध योजनाएं बनाई गई हैं। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। साथियों, ये बजट सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूतपूर्व विस्तार देगा। बजट में हमने टेक्नोलॉजी और न्यू इकोनॉमी पर बहुत अधिक बल दिया है। एस्पिरेशनल भारत आज रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, वाटरवे, हर क्षेत्र में
आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। एमएसएमई के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब प्रिजम्प्टिव टैक्स की लिमिट बढ़ने से एमएसएमई को ग्रो करने में मदद मिलेगी। बड़ी कंपनियां द्वारा एमएसएमई को समय पर पेमेंट मिले, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। साथियों, बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी बहुत बधाई के साथ साथ मैं आह्वान करता हूं, आइए अब नया बजट आपके सामने है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़े 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे। आइए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। वहीं केंद्रीय बजट पर हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रक्रिया दी है कि हर वर्ग का ख्याल रखकर बजट तैयार किया गया है। सीएम खट्टर ने कहा कि युवा, महिला, किसान, उद्यमी, मजदूर सभी वर्गों को होगा फायदा इसका, जबकि 7 लाख कर में छूट मध्यम और नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी राहत है। अंत्योदय की भावना को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है। इसके अलावा सीएम खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट बढ़ाना अच्छा कदम है। उन्होंने कहा केंद्र की बजट से प्रेरणा लेकर आने वाले वक्त में हरियाणा की जनता के लिए बजट तैयार किया जाएगा। हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने जो आज ये बजट प्रस्तुत किया है संसद में, बहुत ही एक अच्छा अमृतकाल का ये पहला बजट, बहुत क्रांतिकारी बजट जिसको मैं कह सकता हूँ। और ये जो बजट है ये हर वर्ग के लिए, समाज के हर व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए एक प्रकार का ये राहत देने वाला बजट है। विशेष तौर पर मध्य आय वर्ग के जो लोग हैं उनको एक आयकर के नाते से, आयकरदाता के नाते से बड़ी राहत दी गई है। स्लैब सिस्टम जो बनाया गया है, चाहे वो 3 लाख से 6 लाख तक, 6 लाख से 9 लाख तक, 9 से 12 लाख तक, अलग अलग से जो एक स्लैब सिस्टम बनाया है ये राहत देने वाला है। फिर ये चाहे युवा वर्ग हो, महिला हो, चाहे हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उन सब के लिए राहत देने वाला है। व्यवसाय के नाते, चाहे वो किसान है, मजदूर है, वो हमारा चाहे व्यापारी है, चाहे हमारा नया उद्यमी है, वेतन भोगी है, इन सब के लिए राहत जो दे रहा है।
और इसमें समाज के जो खास करके निम्न वर्ग के लिए जो राहत की बातें की गई हैं उनके लिए प्रधानमंत्री ने जो आवास योजना में भी अपना 66% का और योगदान करने की बात कही है, बहुत ऐसे पग उठाए गए हैं, मैं बहुत ही इसकी सराहना करता हूं। और विशेष तौर पर हम अपने प्रदेश का बजट भी जब इस मास के अंत में लेकर के आएंगे, हम इस बजट से बहुत सी प्रेरणा लेकर के अपने यहाँ भी लगभग 3.25 करोड़ लोगों को राहत देने वाला एक अच्छा बजट प्रस्तुत करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आइए आपको बताते हैं कि क्या महंगा और क्या सस्ता हुआ। खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन और कुछ मोबाइल फोन, कैमरे के लेंस सस्ते होंगे, तो वहीं विदेश से आने वाली चांदी की चीजें, देसी किचन, चिमनी, सिगरेट आदि महंगी होंगी।